हेलो एवरीवन, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन ते। क्लास नाइन्थ जिवें कि तुहानू पता मंडे अकाल अकैडमी दे विच एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, मैथ दा एग्जाम है। सो उहदे लई आपां कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बना रहे हैं। सो पहले पार्ट दे विच एक आपां क्वेश्चन डिस्कस किया, हुण आपां दूजा क्वेश्चन करन जा रहे हैं जो एग्जाम दे विच आ सकदा है। लाइनस एंड एंगल्स चैप्टर दे नाल रिलेटेड है ते क्वेश्चन 3 मार्क्स दा आ चुका आ सकदा है, पहला भी क्योंकि क्वेश्चन ये काफ़ी बार आ चुके हैं। ओके, सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट की है अपने कोल। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह आ सकती है, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वेश्चन इस तरह लिखा आ सकता, स्टेट एंड प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी। हुण एंगल सम प्रॉपर्टी की होंगी है, ट्रैंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी की होंगी, आप अगे और लिख देना स्टेट एंड प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैंगल। चलो आप पूरा क्वेश्चन कर दिए पहला, ठीक है, ये चीज आप प्रूव करनी है। तो देखो एक एक वर्ड, पहला स्टेट, स्टेट का मतलब की है, स्टेट का मतलब है क्वेश्चन जो तुम्हें गिवन है इनकी स्टेटमेंट बना के दसो। तो पहला आप स्टेटमेंट लिखांगे, स्टेटमेंट की आ गया, स्टेटमेंट की आ गया अपने को, द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रैंगल इज, द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रैंगल इज 180 डिग्री। किसी ट्रैंगल के इंटीरियर एंगल का सम कि होंगे 180 डिग्री, ये चीज़ आप प्रूव करनी है। देखो जी स्टेट लिखा, स्टेट का मतलब होंगे स्टेटमेंट, तुम्हें स्टेटमेंट जरूर लिखनी पेगी। ओके, जेकर इस तरह क्वेश्चन आ गया ना, स्टेट एंड प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट मीनस तुम्हें स्टेटमेंट तो लिखनी पेगी। ओके, सो हुण आप डायग्राम बनावेंगे। आप एक ट्रैंगल बना रहे हैं, ट्रैंगल का नेम की है ए बी, ए अपने को आ गया सी। हुण गिवन विच की आएगा, गिवन आ गया, ज्यादा कुछ तो गिवन नहीं है अपन, सिर्फ गिवन है अ ट्रैंगल ए बी सी। अपन की गिवन है, ट्रैंगल ए बी सी इज अ गिवन, सिर्फ इन्ना की गिवन है, एक ट्रैंगल दिती है, ठीक है, जिंदा नेम की है ए बी सी। हुण प्रूव की करना अपन, वट वी नीड टू प्रूव इज, देखो ट्रैंगल दे तिना एंगल का नेम दे दो, इनू मैं ए नाम दिता, इनू बी, इनू मैं की नाम देता, सी नाम देता। तिने इंटीरियर एंगल है, इन्हों नेम दो ए बी ते सी। सो आप प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी का दे इक्वल है अपने को 180 डिग्री। ये चीज़ आप करती प्रूव करती। हुण देखो थ्योरम दे विच की करना अपन, थोड़ा जा कंस्ट्रक्शन करना पैंदा, कंस्ट्रक्शन का मतलब थोड़ा जा एक्सट्रा वर्क अपन करना पेगा। सो एक्सट्रा वर्क की आ गया कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब आपदे को कुछ ड्रॉ करना है। आपा की करांगे, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू बी सी थ्रू ए। आपा की करांगे, एक्स वाई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करांगे, किंदे विचों क्रॉस करेगी, जो ए दे विचों क्रॉस करेगी। ये चीज़ आ गई एक्स वाई किंदे पैरेलल है, बी सी दे पैरेलल है। ओके, ये आपा की कंस्ट्रक्शन की अपने को। हुण देखो प्रूव किवें करना है, सिंपल जी गल है, ए वाला कुछ इस तरह का बन गया, ए अपने को इधर नू गया एक इधर नू गया, ए एंगल अपने को की है ए, इनू मैं नाम देता एक्स, इनू मैं की नाम देता वाई, मतलब जिहड़ा आ वाला एंगल एक्स है, ए एंगल अपने को की है वाई है। ओके, हुण इह स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन के उपर बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होंदा अपने को 180। ओके, सो आपां लिखांगे प्रूफ, जे थ्योरम आ गई तो प्रॉपर इसे स्टैप दे विच करना पएगा, पहला स्टेटमेंट, फिर गिवन, फिर टू प्रूफ, उस तो बाद कंस्ट्रक्शन, तो लास्ट में की आ गया अपने को प्रूफ, क्योंकि जोड़ा आ वाला पार्ट है ना ये हाफ मार्क्स का होंगे, जे क्वेश्चन 3 नंबर का है तो ये वाली सारी चीज़ की है 1.5 मार्क्स की है। ओके, जे क्वेश्चन 4 नंबर का आया तो यह वाला पार्ट अपने को 2 नंबर का, जिंद डायग्राम आ गया, स्टेटमेंट आ गई, गिवन आ गया, टू प्रूफ आ गया, तो कंस्ट्रक्शन आ गया। तो यह चीज़ ध्यान जरूर करनी है। हुण आप प्रूफ देन जा रहे हैं, ये अपने को लाइन है, सो लाइन के उपर बनने वाले एंगल का सम कितना होंगे 180 डिग्री। सो एक्स प्लस ए प्लस वाई का दे इक्वल आ गया 180। रीजन की आ गया लीनियर पेयर। ओके, रीजन की आ गया अपने को लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर की होंगे एक लाइन के उपर जिन्हें भी एंगल बन रहे इको वर्टेक्स के उपर, तो उन्होंने सारे का सम कितना होंगे 180 होंगे। हुण एक गल और देखो, एक्स वाई किंदे पैरेलल है बी सी दे, तो कुछ एहो जी शेप बनी, ए एक्स हो गया, ए हो गया, ए बी ए सी, ए एंगल अपने को एक्स है, ए एंगल अपने को है बी है, कुछ यहो जी शेप बन गई ना।
जयपा इधर वाला हिस्सा देखिए तो यह बन गया। हम ए लाइन इन पैरल दैट मीनस एक्स का इक्वल है बी दे, जेड वाली शेप बनी ना, जेड वाली शेप के एंगल केड़े होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो आप लिखांगे कि बट एक्स का इक्वल है अपने को बी दे। सिमिलरली जे आप परला पोर्शन देखिए वह कुछ योजा बन रहा वाई ए बी सी, ए एंगल की आ गया सी, ए एंगल की आ गया अपने को वाई आ गया। ठीक है जेड़ा ए वाई है वह बी सी के पैरल है, पुट्ठा जेड बन गया, पुट्ठा जेड मतलब केड़ा होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल वाई का इक्वल आ गया सी दे, ऑल्सो वाई इक्वल टू सी। रीजन जरूर देना है क्योंकि हरेक चीज़ का रीजन जरूरी होंगे जमैट्री देके। सो इन्हों का रीजन की आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन द रीजन की आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप एक्स नू किन्ने नाल रिप्लेस करांगे बी नाल, ते वाई नू किन्ने नाल रिप्लेस करांगे सी नाल। सो अपने कोल की आ गया बी प्लस ए प्लस सी का इक्वल आ गया 180, या आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपने कोल कितना आ गया 180। सो दैट इज द प्रूफ, एंड च लिखांगे आपां हैंस प्रूव्ड। ओके ये चीज अपने कोल की होगी प्रूव होगी। ओके आपां नूं की गिवन सीगा, उन्हें क्या सी स्टेट एंड प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब ट्रैंगल दे तीन एंगल का सम कितना होंगे 180 डिग्री होंगे। सो आपां पहला स्टेटमेंट लिखी सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रैंगल इज 180 डिग्री, गिवन की है एक ट्रैंगल गिवन है, प्रूव प्रूव की करना है ए प्लस बी प्लस सी का इक्वल है 180 दे। कंस्ट्रक्शन की आपां एक्स वाई किंदे पैरलल है बी सी दे। ओके उस तो बाद आपां अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब उस तो पहला लीनियर पेयर वाला कंसैप्ट ते उस तो बाद अल्टरनेट इंटीरियर वाला कंसैप्ट यूज करके आपां प्रूव किया ए प्लस बी प्लस सी का इक्वल है 180 दे। ओके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम दे विच आ सकता है, तो इनू इग्नोर ना करो क्वेश्चन नू। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन आपां अगली वीडियो दे विच डिस्कस करांगे।